जी नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये कि लॉकडाउन की इस समय में मैं अपने मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे निवासी हैं, फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं, सबसे यही कहूंगी कि मध्य प्रदेश में भी ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है और बहुत टफ टाइम में सारे लोग रह रहे हैं। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं टेलीविजन से, सीएम के पास से, प्राइम मिनिस्टर के पास से, आप लोगों के द्वारा, उनको बहुत जरूरी है कि उसका फॉलो करें, उसको माने। अब रही बात के टाइम कैसे काटा जा रहा है, क्योंकि ये वाकई में जब आपको पता पड़ता है कि बंद कर दिया गया है तो आदमी सैटरडे संडे तो हमेशा बड़ा उत्सुक रहता था कि हम काम करके आए तो सैटरडे संडे घर पर बैठे, पर एकदम से जब आपको बंद कर दिया जाता है और शहर आपका साए साए करता है तो उसमें धीरज कोई भी खो सकता है। इसलिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं वो मैं भी कर रही हूँ, दूसरे लोग बड़े पॉजिटिव वे में भी कर रहे हैं, परिवार मिलकर के खुद कुकिंग कर रहे हैं क्योंकि बाइया नहीं आ सकती हैं, भीड़ में अगर आप बाहर जाएंगे लोगों से मिलेंगे कोई देगा या कोई किसी की भी संक्रमण जो ये कीटाणु है वो कहाँ से भी किसी को भी लग सकते हैं, उसको एहतियात बरतने के लिए अगर सभी कमरे में हो गए तो सबको बड़ा पॉजिटिव होना जरूरी है। मैं एक अपने प्ले को एडेप्ट कर रही हूँ। दूसरी बात, मुझे सरकार की एक बात अच्छी लगी कि जिसका बहुत सारे मजाक भी उड़ाया कि क्या रामायण महाभारत और चाणक्य उपनिषद क्या है सब, मैं समझ गई कि उनको पता था कि जब कमरे में लोग बंद होंगे और जब जो रोज के सीरियल हैं जब वो आने बंद होंगे, वो चीजें जो क्लासिक रही हैं उनसे जोड़ा जाए। औरों का पता नहीं, आपने मुझसे पूछा कि मैं 4:30-5 बजे उठती हूँ, फिर अपना वॉक करती हूँ और वॉक मतलब अपनी ही टेरेस पर, कहीं बाहर नहीं और क्योंकि बाहर जाना मना है, और उसके बाद आप अपना योगा करते हैं, उसके बाद मैं बहुत ये सब कुछ करते कराते और घर की सफाई करते हुए फट से मैं 9 बजे का इंतजार करती हूँ कि मैं रामायण देखूँ। रचनात्मक कार्य में हमें हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारी माइथोलॉजिकल चीजें जिनको लेके आप आजकल बड़े बड़े लेखक जो लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने, जैसे अमीश त्रिपाठी हैं या देवदत्त पटनायक हैं या मिसेज मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति, ये सब लोग जो है जब माइथोलॉजी पे लिखते हैं ऐसे थोड़ा लिखते हैं, पहले माइथोलॉजी का पता तो होना चाहिए। तो मैंने इसको ये मान के चला है कि भैया अपने आप पे काम करो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो अपनी मानसिक शारीरिक एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए कैसे आदमी काम कर सकता है। तो अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो भाई जो कभी नहीं सोचा था कि पूरा विश्व एक ऐसा वक्त ऐसा कलयुग आएगा कि पूरा विश्व रुक जाएगा, सारे लोग कमरों में बंद हो जाएंगे, उसको अगर आप सकारात्मक तरीके से देखें तो भाई एक बॉन्डिंग बढ़ रही है, मिल बांट के काम कर रहे हैं, कोट पीस खेल रहा है कोई, 3-2-5 खेल रहा है कोई, ज्यादा टेलीविजन और कोरोना 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 सुनेंगे तो फिर डिप्रेशन होना लगेगा, कौन सा देश कहेगा कि तुम काम ना करो घर में बैठो। इसका मतलब वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग अपनी लापरवाही से कुछ ऐसा कर जाएं कि हाल हमारा इटली से चाइना से भी बुरा हो जाए, और हमारे देश की मजबूरी है कि भाई संख्या जनसंख्या जरूरत से ज्यादा है, गरीबी भी है, संसाधन भी नहीं है, तो ऐसे में जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री के वह लोग व्हाट्सएप पे मजाक उजाक में बनाते रहते हैं कि आज थाली बजवाई है, फिर कह रहे हैं ताली बजाइए, फिर कह रहे हैं कि सब लोग दिया जलाइए, तो वो क्यों कह रहे हैं, वो आपका उत्साह बढ़ा रहे हैं, आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, उसको ताकि आप में बड़ा सहज है जब कुछ भी ना करें और ये फीलिंग आ जाए कि बंद कर दिया है। वैसे हो सकता है महीनों महीनों घर से बाहर जाए, पर जो फीलिंग जो है कि हमें बंद कर दिया है तो उससे आदमी जो डिप्रेशन में आ जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए हमें काम करना चाहिए। आप मुझसे अगर पूछ रहे एज अ कलाकार, कलाकार के लिए कभी कभी ऐसी जेल जो है ना वो अच्छी होती है, उसके दिमाग में फिर आइडिया बुलबुलाते हैं
और आप पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ अच्छा लिखते हैं, तो मैं लिख रही हूँ। मेरे अभी हाल में मैं लोगों से कहना चाहूंगी, कल रात को ही इन्होंने रिलीज किया, गवर्नमेंट के कहने पे मैंने बनाया था, सुन लो ना, मेरे सन इन लॉ ने बजाया है, मैंने गाया है, मेरी डॉटर ने शूट किया है, ग्रैंड चिल्ड्रन, सच अ नाइस वीडियो। तो वो अभी चारों तरफ चल रहा है, तो वो आपको एक हौसला देता है कि मिलके बहुत कुछ हो सकता है। हम चाहेंगे कि वो आप गुनगुनाएं। तो उसमें मैंने यही कहा है कि जिंदगी जीनी है यदि पूरी, बात रहे ना अधूरी, मुझसे कर लो कुछ दूरी, कुछ दिन की ये मजबूरी, मुझसे कर लो तुम अब दूरी, सुन लो ना, बाहर फैला है कोरोना, इसका गाने का नाम ही सुन लो ना है। जिंदगी जीनी है पूरी, बात रहे ना। Goodbye।